गुड आफ्टरनून क्लास, आई एम रवि कुमार समाधिया। हियर आई विल टीच यू वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वन लैब। इन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लैब हम तीन बेसिकली लैब्स का हम यूज करेंगे, शॉप्स का यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज मशीन शॉप, सेकंड वन इज फिटिंग वेल्डिंग शॉप एंड थर्ड वन इज कास्टिंग शॉप। ये तीनों लैब जो है ये यूजफुल है किसी कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। हेयर यू कैन सी द ड्रॉइंग ऑफ द प्रैक्टिकल विच वी हैव टू परफॉर्म। इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि टू परफॉर्म फेसिंग, ये एक ऑपरेशन है, टर्निंग ये भी एक ऑपरेशन है, स्टेप टर्निंग ये एक ऑपरेशन है एंड नर्निंग, ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम लेथ मशीन पर परफॉर्म करते हैं। वैसे काफ़ी ऑपरेशन होते हैं लेकिन हेयर आई विल टीच यू द बेसिक्स ऑफ लेथ मशीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये ड्रॉइंग बनाई हुई है। इस ड्रॉइंग में हमने 100 mm लेंथ का पीस लिया हुआ है और 25 mm डायमीटर का हमने पीस लिया है। तो हमने इस एंड से स्टार्ट किया, हमने इसके डायमीटर को रिड्यूस किया है जो कि टर्निंग ऑपरेशन कहलाया जाता है, लेंथ को रिड्यूस करना फेसिंग ऑपरेशन कहलाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसकी पूरी की पहले फेसिंग टर्निंग की, दोनों एंड पर फेसिंग की, फिर हमने यहाँ पर एक टर्निंग की, टर्निंग मतलब हमने इसकी डायमीटर को 24 कर दिया। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्टेप टर्निंग, स्टेप टर्निंग का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग डायमीटर मतलब वेरिंग डायमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 mm डायमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 mm डायमीटर है। तो और यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन किया है वो है नर्लिंग ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हमने वो ड्राइंग देखी वहाँ पर, तो उस ड्राइंग से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें सबसे पहले काम है ड्राइंग को ड्रॉ करना। एक ड्रॉ कर लें हम उसमें पेपर पे, पेपर पे ड्राइंग होगी सामने होगी तो पीस एग्जैक्ट बनेगा, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमने पीस को होल्ड कर लिया है चक में। ये लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन के पार्ट्स आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ये आपकी चक है जो कि वर्क पीस को होल्ड करता है, ये आपका हेड स्टॉक है जो कि इस रोटेशन को प्रोवाइड करा रहा है, और ये हमारा टेल स्टॉक है जो कि लॉन्ग वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, जिससे कि वाइब्रेशंस ना हो, है ना। और अगर हमें ड्रिल करना है तो ये ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। कटिंग टूल हमारे कई तरीके के होते हैं लेकिन यहाँ पर हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एंड पर और इसके जो इधर चक के अंदर लगा हुआ है इस एंड पर फेसिंग करेंगे, देन हम इसकी डायमीटर को रिड्यूस करेंगे। डायमीटर रिड्यूस करके जो हमारी रिक्वायर्ड डायमीटर है 24 mm, इस पर पहले हम इसे लेके आएंगे। तो सपने हैं इसकी फेसिंग करनी है, देन इसकी डायमीटर रिड्यूस करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं टूल पोस्ट में जो टूल लगा हुआ है इसका एंगल हमें 45 डिग्री रखना है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम इसकी फेसिंग करें तो एंगल जो हो टूल का वो 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कैसे हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने क्या है फेसिंग इसकी कर ली है, ये आपकी सरफेस दिख रही है बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इस पर हम इसकी डायमीटर को रिड्यूस करेंगे। तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसिंग करते टाइम कटिंग टूल का एंगल क्या था, हमने लिया 45 डिग्री, बट नाउ वी आर परफॉर्मिंग द टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन के लिए यहाँ पर हमने कटिंग टूल का एंगल कर लिया बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी आप डायमीटर को रिड्यूस करेंगे, वो देखिए आप। यहाँ पर देखिए आप, ये हम क्या कर रहे हैं, एक हैंडल है हमारा, ये व्हील है जो कि ये पूरा जो कैरेज है इसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं हमसे। आप देख रहे हैं कि हमने इसकी ये डायमीटर जो इस एंड की डायमीटर है जो हमने ड्राइंग में बनाया था 20 mm का टर्निंग किया है यहाँ पर, देन हमने टर्निंग को पूरा किया। लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, स्टेप टर्निंग कर रहे हैं। इसकी डायमीटर 24, इसकी डायमीटर हमने 20 mm दी है। आगे नेक्स्ट क्रॉस ऑपरेशन देखिए, स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर हमने टर्निंग कर दिया, यहाँ पर हमने स्टेप टर्निंग कर दिया, यहाँ पर भी हमने टर्निंग कर दिया। तो हमने दो एंड पर टर्निंग किया है, बीच में हमने स्टेप टर्निंग किया है, टर्निंग के बाद किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसको नर्लिंग टूल बना रहे हैं, नर्लिंग बना रहे हैं, नर्लिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्लिंग ऑपरेशन से क्या है कि इस साइड में हम इसको नर्लिंग जो किया जाता है वो होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए किया जाता है वर्क पीस को। अगर हम नर्लिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वर्क पीस हमारा स्लाइड होगा अपने हाथों से।
तो हम यहाँ पर ये नर्लिंग टूल ले रहे हैं जिसमें कि डायमंड शेप बनी रहती है, तो इसको हम यहाँ पर नर्लिंग करेंगे। अब आप देखिएगा नर्लिंग ऑपरेशन हम करेंगे। शेप बनी है वो नर्लिंग हो गई है, एकदम रफ सरफेस हो गई है, तो इसको हम कहते हैं नर्लिंग। ओके, तो ये हमने क्या देखा कि इस लैब में हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके स्टेप टर्निंग, टर्निंग, देन आफ्टर सिंपल टर्निंग, फेसिंग, और हमने इस पर नर्लिंग की। तो ये हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।